हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम जो जीएसटी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। तो जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर किस तरीके से जो टैक्स का है उद्ग्रहण किया जाता है, ठीक है, और किस तरीके से उसका कलेक्शन किया जाता है, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जीएसटी के लिए आपको पता है कौन सा एक्ट है। जीएसटी के लिए हमारे सामने एक्ट है सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सीजीएसटी एक्ट की कौन कौन से सेक्शन है जो कि टैक्स के लेवी और कलेक्शन से रिलेट रखती हैं। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सीजीएसटी एक्ट है उसकी सीजीएसटी एक्ट कौन सा है, 2017 है। ठीक है, पूरा नाम लिख देते हैं चलो ताकि आपको ध्यान रहे। सीजीएसटी एक्ट 2017 की, ठीक है, जो सेक्शन है, जो सेक्शन 9(1) से लगा करके 9 सबसेक्शन 5 तक, ये क्या है, ये है चार्जिंग सेक्शंस। ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, चार्जिंग सेक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम कह सकते हैं चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, किसके लिए, ये है लेवी एंड कलेक्शन। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, किसे, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी का जो कलेक्शन और जो उद्ग्रहण है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 9 से लगा करके, धारा 9 और उपधारा 1 से लगा करके धारा 9(5) उपधारा 5 तक दे रखे हैं। ठीक है, सेक्शन 1 से लगा करके सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 तक के जो भी प्रोविजंस हैं जीएसटी एक्ट 2017 के, वो किससे रिलेट रखते हैं, उन्हें चार्जिंग सेक्शंस भी कहा गया है। वो टैक्स को, टैक्स की जो चार्जिंग है उससे रिलेट रखते हैं। ठीक है, टैक्स को चार्ज करने से संबंधित है, टैक्स के कलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो टैक्स की लायबिलिटी है, ठीक है, वो कब उत्पन्न होती है या टैक्स कब पेएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है एक कि जो टैक्स है वो पेएबल कब होता है, या फिर टैक्स की जो लायबिलिटी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है। ठीक है, टैक्स की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट की। यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो टैक्सेबल अगर इवेंट की बात करें हम, तो टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ठीक है, जो कर की, जो टैक्सेबल कर योग्य घटना है वो क्या मानी गई है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स पेबल और लाइबिलिटी कब होती है, टैक्स की लाइबिलिटी कब आती है, जब भी सप्लाई की जाती है। ठीक है, जब भी सप्लाई की जाएगी, गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो चाहे दोनों की हो, तो जहाँ पे सप्लाई होगी, सप्लाई ही इसकी क्या मानी गई है, टैक्सेबल इवेंट मानी गई है। ठीक है, सप्लाई क्या है, टैक्सेबल इवेंट है। तो कर योग्य घटना सप्लाई को माना गया है, सप्लाई होने पर ही टैक्स क्या हो जाता है, पेबल हो जाता है और टैक्स की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। ठीक है, तो टैक्स की लाइबिलिटी या टैक्स का जो पेइंग टैक्स है वो कब अराइज होता है क्या, ठीक है, इसकी जो हैपनिंग या फिर हम टैक्सेबल इवेंट कहें तो वो क्या कहेंगे, सप्लाई कहेंगे। ठीक है, सप्लाई जो है पूर्ति को ही इसकी कर योग्य घटना माना गया है, मतलब जहाँ पे भी सप्लाई होगी वहाँ पे जीएसटी क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है इसकी नॉर्मल कॉमन बात। अब हम बात करते हैं आगे
आगे बात करते हैं प्रोविजन ऑफ चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग से संबंधित जो प्रोविजंस है वो कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 से लगा करके सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 तक दे रखे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 9 जो है वो खुद ही क्या है, चार्जिंग सेक्शन ही है। मतलब टैक्स को चार्ज करने से रिलेटेड, टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करने से रिलेटेड और टैक्स की जो लेवी है उससे रिलेटेड जितना भी जो कुछ प्रोविजंस है वो सारे सेक्शन 9 के अंदर दे रखे हैं और सेक्शन 9 की सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 5 तक पूरे ये प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जिंग अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर जो टैक्स है वो दो तरीके से चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज की। तो फॉरवर्ड चार्ज की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड चार्ज और डायरेक्ट चार्ज इज अ मैकेनिज्म वेयर द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है। तो जो ये फॉरवर्ड चार्ज है जिसे हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट चार्ज भी कह सकते हैं, तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर जो सप्लायर होता है वो क्या होता है, टैक्स पेड करने के लिए लाइबल होता है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, सप्लायर जो है वो क्या है, वो लाइबल है, ठीक है। वो लाइबल है किसके लिए, लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है। तो जो सप्लायर है अगर वो टैक्स पेड करने के लिए लाइबल होता है तो डायरेक्टली उसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड चार्ज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेबल इवेंट बताई गई है वो क्या बताई गई है, जीएसटी में पूर्ति बताई गई है, ठीक है। जो सप्लाई है वो क्या है, टैक्सेबल इवेंट है। तो डायरेक्टली जब सप्लायर पर टैक्स की लाइबिलिटी आती है टैक्स को पेड करने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे एक तरीके से फॉरवर्ड चार्ज किया जाता है जो कि डायरेक्टली सीधा सप्लायर पर टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। जैसे ही वो सप्लाई करेगा गुड्स की या सर्विस की तो वो लाइबल हो जाएगा टैक्स को पे करने के लिए। इस बात को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं सेक्शन 9(1) ऑफ द CGST एक्ट डील्स विद द फॉरवर्ड चार्ज। तो जो सेक्शन 9 है CGST एक्ट की वो क्या करती है, फॉरवर्ड चार्ज के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो बताती है। तो वो सेक्शन 9(1) के अंदर बताए गए हैं। फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मली जो हम चार्ज करते हैं, ठीक है, जनरल जो हम चार्ज करते हैं, जैसे जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, पहला चार्जिंग का तरीका क्या हो गया, फॉरवर्ड चार्ज। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट होता है इसमें एक रिवर्स चार्ज, ठीक है। रिवर्स चार्ज को हम क्या कहते हैं, विपरीत प्रभार भी कहते हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विपरीत कर भी कहते हैं, ठीक है, या विपरीत प्रभार भी हम कहते हैं। तो देखिए विपरीत कर और विपरीत प्रभार क्या होता है, द रिवर्स चार्ज इज द मैकेनिज्म वेयर द टैक्स इज पेएबल बाय द पर्सन हु इज क्या है, रिसिपियंट है ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये जो चार्ज का तरीका है टैक्स चार्ज करने का, उसके अंदर जो रिसिपिएंट होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, ये क्या है, प्राप्तकर्ता जो होता है, ठीक है, किसी चीज का, गुड्स का या फिर सप्लाई का जो प्राप्तकर्ता है वो क्या होता है, पेएबल होता है, ठीक है, टैक्स पेबल करने के लिए लाइबल होता है। तो जो टैक्स है वो किसके थ्रू पेबल किया जाता है, रिसिपिएंट के थ्रू, प्राप्तकर्ता के थ्रू पेबल किया जाता है, तो उसे हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज तो क्या हो गया, जिसमें सप्लायर क्या करता है, टैक्स पेड करता है, ठीक है। और जबकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो रिसिपिएंट होता है, ठीक है, वो रिसिपिएंट क्या करता है, टैक्स पेड करता है। मतलब उल्टा चलता है मैटर। जैसे आप समझिए फॉरवर्ड चार्ज की अगर हम बात करें तो ये है फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि एक होता है सप्लायर और एक होता है क्या, रिसिपिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर क्या करता है, टैक्स पेड करने के लिए लाइबल होता है और टैक्स पेड करने की लाइबिलिटी उसकी होती है। जबकि हम किसकी बात करें, जबकि हम बात करें रिवर्स चार्ज की, तो रिवर्स चार्ज के अंदर एक तो सप्लायर होगा और एक रिसिपिएंट होगा। तो यहाँ पे जो टैक्स पेड करने की लाइबिलिटी होती है वो किसकी होती है, रिसिपिएंट की होती है, ठीक है, वो टैक्स पेड करने के लिए लाइबल होता है। तो ये तो हमने देख लिया, फॉरवर्ड चार्ज भी होता है और रिवर्स चार्ज भी होता है। और जो सेक्शन
नाइन का सबसेक्शन थ्री और सबसेक्शन फोर है वो डील करता है किसके साथ में, रिवर्स चार्ज के साथ में, ठीक है, विपरीत भार के साथ में या विपरीत कर के साथ में वो डील करता है, उसके अंदर सारे उसके प्रोविजन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स के किस तरीके से जो कलेक्शन है, किस तरीके से ये लेवी होती है इसकी टैक्स की, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैचुरी प्रोविजन की बात करते हैं जो कि सेक्शन 9(1) के अंदर बताई गई है, ठीक है। तो सेक्शन 9(1) के अंदर क्या कहा गया है, सेक्शन 9(1) जो टैक्स चार्ज करने की पहली सेक्शन है जिसमें जो टैक्स है वो अदर देन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो जिन्हें हमें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। इसे हम नॉर्मल प्रोविजन भी कह सकते हैं या नॉर्मल टैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉर्मल टैक्स, ठीक है। जो नॉर्मली चार्ज किया जाता है उसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 9(1) है, ठीक है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 है उसको छोड़ करके और जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहलिक लिक्विड होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अल्कोहलिक, तो इसमें ये कहा गया है इस प्रोविजन के अंदर, ये जो आपके सेक्शन है ना सेक्शन 9(1), इसके अंदर ये कहा गया है कि ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 और अल्कोहलिक लिक्विड को छोड़कर बाकी जितने भी ऑल अदर गुड्स हैं, ठीक है, ऑल अदर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, बाकी जितने भी गुड्स और सर्विस है उन पर जो टैक्स है वो इस सेक्शन के अधीन क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, ठीक है, इस सेक्शन के अंडर में चार्ज किया जाएगा, उनके जो प्रोविजन है वो इस सेक्शन के अंदर दे रखे हैं। अब सेक्शन 9(2) की आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन से गुड्स और सर्विसेज बताए गए हैं, ठीक है, ठीके? तो सेक्शन 9(2) के अंदर बताए हुए गुड्स और सर्विसेज और अल्कोहलिक लिक्विड को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोडक्ट जो बचते हैं उनके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 के अंडर में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स की जो रेट है वो कितनी होती है, मैक्सिमम जो टैक्स की रेट है वो यहाँ पे 20% जो है वो बताई गई है, ठीक है, मैक्सिमम जो टैक्स की रेट बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 20% बताई गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसकी रेट कितनी कर सकती है, सरकार की जो जीएसटी काउंसिल जो है उसके अकॉर्डिंग इस रेट की कितनी कर सकती है, इसको मैक्सिमम 28% तक कर सकती है, ठीक है। तो 20% और 28% तक बताई गई है, बट ये काउंसिल की सिफारिश पर, ठीक है, काउंसिल के रिकमेंडेशन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इसको 28% तक चार्ज कर सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सेक्शन 9(1) जो है सबसेक्शन 1 वो क्या करती है कि जो नॉर्मल टैक्स है जिसमें सेक्शन 9(2) को छोड़कर या फिर अल्कोहलिक जो ह्यूमन के यूज़ की जो अल्कोहलिक लिक्विड है, ठीक है, जो पीने के लिए जो वाइन यूज़ की जाती है उसको छोड़ करके बाकी जो भी गुड्स और सर्विसेज बच रहे हैं उन पर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो सेक्शन इस सेक्शन के अंडर में किया जाएगा, ठीक है, सेक्शन 9(1) के जो सबसेक्शन 9(1) है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो कर का जो भी संग्रहण है वो इसके अकॉर्डिंग, जो टैक्स का पेमेंट है, कलेक्शन एंड पेमेंट, ठीक है, कलेक्शन एंड पेमेंट है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है, किसके अलावा, किसको छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सारे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा अ
यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टील स्टील नो टैक्स ऑन पेट्रोलियम पेट्रोलियम इसके लिए जो सेक्शन बताई गई है वो है सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2। तो देखिए सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 के अंदर ये कहा गया है कि जो पेट्रोलियम कर्ड है, जो हाई स्पीड डीजल है और जो पेट्रोल और नेचुरल गैस है, ठीक है, इनके ऊपर जो टैक्स है वो अभी भी नहीं चार्ज किया जाएगा। इन्हें क्या रखा गया है, टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। और इनके ऊपर तब तक टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा जब तक कि जो काउंसिल है वो इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं दे देती गवर्नमेंट को, ठीक है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं दे देती तब तक इनके ऊपर क्या नहीं किया जाएगा, जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इन्हें हम कह सकते हैं, इन्हें किस कैटेगरी में डाला गया है, इन्हें डाला गया है, इन्हें हम कह सकते हैं नॉन लीवियेबल, नॉन लीवियेबल कैटेगरी। ये क्या है, नॉन लीवियेबल कैटेगरी है जिन पर क्या नहीं किया जाता, टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, नॉन लीवियेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिन पर टैक्स क्या नहीं किया जाता, चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। इनके ऊपर जो टैक्स है वो तब तक नहीं चार्ज किया जाएगा जब तक कि जीएसटी काउंसिल इसके लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन नहीं दे देती। जो जीएसटी काउंसिल होती है ना, जीएसटी काउंसिल क्या करती है, इसके लिए रिकमेंडेशन देती है अगर गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इनके ऊपर क्या किया जा सकता है, टैक्स चार्ज किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये नॉन लीवियेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब इन्हें कर के दायरे से बाहर रखा गया है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, ठीक है, 5 पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है इन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। कौन कौन से है हम देख सकते हैं, पेट्रोलियम कर्ड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पीड हम कह सकते हैं, मतलब पेट्रोल, ठीक है, और नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये जो है 4-5 प्रोडक्ट इन्हें बाहर रखा गया है, ठीक है, टैक्स के दायरे से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट थर्ड की बात करें हम, तो थर्ड आ जाता है इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बताया गया है सेक्शन 9, सेक्शन 9(3) के अंदर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है उसके बारे में जो प्रोविजंस है वो किसके अंदर दे रखे हैं, सेक्शन 9(3) के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे जो टैक्स है, ठीक है, जो लायबिलिटी ऑफ टैक्स है वो किसकी हो जाती है, जहाँ पे हम बात करें
लाइबिलिटी ऑफ टैक्स किसकी हो जाती है? रिसिपियंट की हो जाती है, ठीक है, किसकी हो जाती है? रिसिपियंट की हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज कहते हैं। जो प्राप्तकर्ता होता है, प्राप्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता, उसकी हो जाती है, ठीक है। टैक्स कौन पेड करता है? टैक्स पेबल किसके थ्रू होता है? रिसिपियंट के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर पर चार्ज नहीं होता है, सप्लायर जो होता है वो चार्ज, उस पर चार्ज नहीं होता है टैक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट किसकी प्रोविज़न आ जाती है? नेक्स्ट देखिए प्रोविज़न आती है रिवर्स चार्ज के बाद में, आ जाती है सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइड रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 4 में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, ठीक है, इन केस ऑफ रिसिपियंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर विल बी पेबल बाय द रिसिपियंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है टैक्स की, ठीक है, टैक्स पेड करने के लिए जो लाइबल होता है वो कौन होता है? सप्लायर ही होता है, सॉरी, जो रिसिपियंट होता है वो होता है, क्योंकि देखिए सप्लायर तो रजिस्टर्ड है नहीं, ठीक है, जो सप्लायर होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो जो रिसिपियंट होगा, ठीक है, तो जो रिसिपियंट पर्सन होगा, जो इसकी सप्लाई को क्या करेगा? रिसिप्ट करेगा, ठीक है, उस पर्सन पर क्या होगा? वो लाइबल होगा टू पे टैक्स, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लायर है, तो इस कंडीशन में जो रिसिपियंट होता है उसकी लाइबिलिटी हो जाती है टैक्स को पेड करने की, इसे हम रिवर्स चार्ज भी कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की कंडीशन में जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो रिवर्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है, मतलब वो रिसिपियंट से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वैसे तो इस यहाँ पे जो टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट के बारे में अभी हमने बात की थी। टैक्सेबल इवेंट जो यहाँ पे मानी गई है वो क्या मानी गई है? सप्लाई मानी गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ये चार्ज किस पे लगेगा? रिसिपियंट पे लगेगा, और ये जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 है वो इसके अंदर इसके प्रोविज़न बताए गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर। यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ था आपके, अब आ जाएगा हमारे पास में फिफ्थ, टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये बताया गया है सेक्शन 9 के सब सेक्शन 5 के अंदर। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कुछ इस टाइप की कैटेगरीज को स्पेसिफाई करेगी, जहाँ पे जो टैक्स है वो किसके थ्रू पेड किया जाएगा?
किसके थ्रू? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ECO भी हम कह सकते हैं इसको, ECO भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ECO होता है वो अगर किसी सर्विस की क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है, ठीक है, और इस प्रोविज़न, ये जो सेक्शन है इसके प्रोविज़न अगर उस पर एप्लीकेबल होते हैं तो ECO यहाँ पर टैक्स पेड करने के लिए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई है। और अगर किसी टेरिटरी में या अगर किसी क्षेत्र में ECO खुद फिजिकली अगर उपस्थित नहीं हो सकता तो वहाँ पर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेगा, टैक्स पेमेंट करने के लिए क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ECO पर टैक्स चार्ज करने की जो सेक्शन है वो 9 सब सेक्शन 5 है, ठीक है, जिसपे जो ECO है अगर कोई सप्लाई करता है सर्विसेज की तो वो टैक्स पेड करने के लिए क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। और अगर किसी टेरिटरी में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता तो अपनी तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर प्रेजेंट करेगा टैक्स का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। तो ये था आपके GST के अंदर टैक्स की लेवी और कलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है, ये सारे कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब बाकी के जो टॉपिक हैं GST से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।